दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो हमें लॉक स्क्रीन में एक बहुत ही बेहतरीन वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो विंडोज स्पॉटलाइट के इमेजेज होते हैं। एक्चुअली ये इमेजेज किसी एक्सटेंशन के नाम से सेव नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें सर्च करके यूज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आइए बताते हैं कि इन इमेजेज को कैसे सेव किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप कीबोर्ड से विंडोज की के साथ R प्रेस करेंगे, जिससे रन कमांड ओपन होगा और यहाँ पे लिखना है परसेंट लोकल एप डाटा परसेंट। उसके बाद इंटर करेंगे तो एक फोल्डर ओपन होगा, यहाँ आपको पैकेजेस फोल्डर ओपन करना है। फिर microsoft.windows.contentDeliveryManager वाले एक फोल्डर को ओपन करना है। उसके बाद फिर यहाँ एक और फोल्डर मिलेगा जो है लोकल स्टेट, इसे ओपन करेंगे तो लास्ट में एक और फोल्डर मिलेगा जो है एसेट्स, इसे ओपन करेंगे तो उस जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे लॉक स्क्रीन इमेजेज सेव रहते हैं। आपको परेशानी ना हो इसलिए इस डायरेक्टरी का फुल पाथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, ये फाइल ना तो JPG फॉर्मेट में होते हैं, ना ही PNG में और ना ही ZIP में। इन सभी को JPG में चेंज करने के लिए सेलेक्ट ऑल करके सभी को कॉपी करें और डेस्कटॉप में या कहीं भी एक फोल्डर बनाएं और उस पर पेस्ट करें। उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हुए फोल्डर के किसी खाली जगह में राइट क्लिक करना है और ओपन पावर सेल विंडोज हियर पे क्लिक करें। यहाँ CMD टाइप करके इंटर करें और उसके बाद ren:**.jpg टाइप करें और फाइनली इंटर करें। अब आप देख पाएंगे कि सभी फाइल्स JPG में कन्वर्ट हो चुके हैं और इस फोल्डर में आप लॉक स्क्रीन वाले स्पॉटलाइट इमेजेज को सर्च कर लें, जैसे कि वो इमेजेज ये हैं। बाकी सब दूसरे एसेट्स के इमेजेज हैं, आप चाहें तो बाकी इमेजेज को डिलीट कर सकते हैं और लॉक स्क्रीन वाले इमेजेज को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।